इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में एक के बाद एक हाई स्कोरिंग फाइट के बीच मंगलवार को लो स्कोरिंग बैटल देखने को मिली। लगातार रनों की बारिश के बीच आईपीएल के 48वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को लो स्कोरिंग फाइट में 3 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 144 रन का स्कोर बनाया। अब इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स को मैच जीतने में आखिरी ओवर तक जरूर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने मैच को 19.2 ओवर में 7 विकेट खोकर जीतने के साथ ही 3 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया। इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने उतरी। मुंबई इंडियंस के लिए शुरुआत बहुत ही खराब रही और बर्थडे बॉय यानी कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव के साथ ही तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के विकेट टीम के 27 के स्कोर पर ही खो दिए। इसके बाद ईशान किशन और नेहल वड़ेगा ने पार्टनरशिप की। ईशान किशन ने 36 बॉल में 32 रन बनाए। इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद टिम डेविड ने 18 बॉल में 35 रन के साथ ही नेहल ने 41 बॉल में 46 रन की शानदार इनिंग की मदद से मुंबई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 144 रन का स्कोर खड़ा किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम टारगेट अचीव करने उतरी। शुरुआत तो उनकी भी खराब रही, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और मार्क स्टोइनिस ने टारगेट को आसान कर दिया। दोनों ने 58 रन की पार्टनरशिप की। राहुल ने 22 बॉल में 28 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद दीपक हुड्डा ने स्टोइनिस का साथ दिया, लेकिन हुड्डा के बाद स्टोइनिस भी 45 बॉल में 62 रन बनाकर आउट हुए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स को कुछ झटके लगे और मुश्किल में आ गए, लेकिन आखिरी में पूरन ने लास्ट तक रहते हुए टीम को 4 बॉल बाकी रहते 3 विकेट से जीत दिला दी। लखनऊ ने 2 अहम पॉइंट्स हासिल किए। इस मैच में लखनऊ की जीत और मुंबई की हार पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।